तो दोस्तों मी बैंड 4 जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, मी बैंड 4 कब आएगा, उसके लिए खुशखबरी यह है कि चाइना में आज मी बैंड 4 का लॉन्च हो गया। तो आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे मी बैंड 4 का प्राइस क्या है, इंडिया में कब तक ये आ सकता है और इसका क्या क्या फीचर है। तो दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं उन्होंने हमारा देख लिया चैनल टेक्निकल एंड। तो चलिए देख लेते हैं मी बैंड 4 का सारे डिटेल्स। तो दोस्तों मी बैंड 3 लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद चाइना में मी बैंड 4 लॉन्च हो गया है। और मी बैंड 4 में सबसे जो खासियत है ये इसमें आपको मिलेगा कलर डिस्प्ले, जिसका बात बहुत दिन से चल रहा था कलर डिस्प्ले। और मी बैंड 3 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इसका साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मी बैंड 3 का साइज़ था आपको 0.75 इंच और मी बैंड 4 का साइज़ होगा 0.95 इंच। और इसका जो डिस्प्ले रहेगा ये वो है आपका एमोलेड वाला स्क्रीन रहेगा और 2.5D के साथ आएगा। और इसमें और एक खास चीज़ ये है, आप चार्ज करने के लिए इसको डिसमेंटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चार्ज उसको कर सकते हैं। चाइना में मी बैंड 4 का 3 वर्जन लॉन्च हुआ है, एक है नॉर्मल मी बैंड 4, एक है NFC के साथ मी बैंड 4 और एक है एवेंजर एडिशन। तो उसका प्राइस भी आ गया है और उसका प्राइस का भी डिफरेंस है बहुत। तो दोस्तों मी बैंड 4 में और जो फीचर एक्स्ट्रा आपको मी बैंड 3 से कंपेयर करते हुए मिलेगा वो है आपका वॉइस असिस्टेंट। तो मी बैंड 4 में आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, बहुत सारे काम मी बैंड 4 वॉइस असिस्टेंट से ही कर देगा। और उसके बाद मी बैंड 4 में आप म्यूजिक कंट्रोलर भी मिलेगा, जिसमें आपका आप गाना प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ आपको मी बैंड 4 में मिल जाएगा। और प्रीवियस जितना सारे फीचर था वो तो है ही, ये फीचर नया ऐड किया गया है और बहुत सारे कलर स्ट्रैप के साथ ये आएगा। इसका जो बैटरी है मी बैंड 3 में आपको 110 mAh की बैटरी मिलता था और मी बैंड 4 में आपको मिलेगा 135 mAh का बैटरी। तो सबसे बड़ा खासियत तो ये है कलर डिस्प्ले, वॉइस असिस्टेंट, म्यूजिक कंट्रोलर और बैटरी भी ज़्यादा हो गया। तो ये सारे चीज़ मी बैंड 4 में नया आएगा और इसके साथ एमोलेड स्क्रीन भी आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी। और इसका प्राइस का हम बात करेंगे तो मी बैंड 4 नॉर्मल वाला जो वेरिएंट है उसका चाइना के हिसाब से अगर इंडिया में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका प्राइस होगा इंडियन अमाउंट में लगभग 1700 रुपीज़। और अगर आप मी बैंड 4 NFC एडिशन का बात करेंगे, NFC एडिशन ऐसा है आप NFC से पेमेंट कर सकते हैं चाइना में। एक्चुअल मी बैंड का अली एक्सप्रेस के साथ टाई अप है तो वहाँ पे तो पेमेंट आसान से हो जाता है, लेकिन इंडिया में अभी तक किसी के साथ टाई अप नहीं है। जब तक इंडिया में आ जाएगा साथ किसी के साथ टाई अप हो सकता है, तो NFC के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ मी बैंड 4 के साथ। आपको वॉलेट का निकलना भी ज़रूरी नहीं है और मोबाइल से भी पेमेंट नहीं करना होगा, सिर्फ मी बैंड 4 से ही आप पेमेंट कर सकते हैं NFC के थ्रू। तो इस फीचर भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा। और NFC वाला जो मी बैंड 4 है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडियन अमाउंट में अगर हम करें तो 2300 के आसपास इसका प्राइस है। और जो एवेंजर वाला एडिशन निकला है चाइना में वो है उसका प्राइस है 3500। तो ये तीन वेरियंट चाइना में लॉन्च हो चुका है। और इंडिया में ये कब तक आ सकते हैं, इंडिया में शायद जुलाई का पहले वीक में आ सकता है, जब रेडमी का K20 और K20 Pro इंडिया में लॉन्च होगा उसी टाइम मी बैंड 4 लॉन्च हो सकता है, क्योंकि चाइना में लॉन्च होने के एक महीना बाद इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों यही था मी बैंड 4 का सारे डिटेल्स। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कोई भी बैंड खरीदेंगे तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मी बैंड 4 एक बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है और कलर डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लेकर आता हूं। तो दोस्तों आज इतने ही, बाय।